नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे और मेरे साथ हैं पुनीत मिश्रा। तो आज एक बार फिर हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। दरअसल लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं। एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ इसराइल है, और ईरान और इसराइल के बीच बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ भी हैं, साथ में हमास है तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी है। अब देखना होगा कि समीकरण नए क्या बन रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ईरान पूरी तरह से एग्रेसिव मोड में है। ईरान ने न केवल 200 मिसाइलें दागी थी, बल्कि वही अटैकिंग मोड अभी भी ईरान ने बरकरार रखा है। दूसरी तरफ इसराइल की अगर हम जिक्र करें, इसराइल के ऊपर जो बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी, उनसे भले ही इसराइल ये दावा कर रहा हो कि नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसराइल को भी भारी नुकसान उन बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से उठाना पड़ा है। लेकिन और क्या अंदर क्या चल रहा है, दोनों देशों के जो रणनीति हैं उस रणनीति में क्या महत्वपूर्ण है, और आगे क्या हो सकता है, कैसे, क्या वाकई इसराइल घिरा हुआ है, घिर गया है क्या, क्या दूसरे जो मुस्लिम देश हैं वो ईरान के साथ आएंगे, समझेंगे पुनीत से। पुनीत थोड़ा सा ज़रूर बताइएगा, समझाइएगा। ईरान डायरेक्ट अब जंग में आ गया, यानी कि पहले से कोई प्लानिंग होगी कि भाई अब फुल फ्लैश आप मैदान में हैं, कहीं से सपोर्ट आया होगा मुस्लिम कंट्रीज़ का जो शायद बैकअप में रहा होगा ईरान के, और तब जाकर ये बड़ा फैसला बैलिस्टिक मिसाइल, और अब फिर वही कहें तो एटीट्यूड ईरान का भी नज़र भी आ रहा है। देखिए प्रशांत, सबसे पहले तो आज हम जब ये बात कर रहे हैं तो ये बात उस तारीख पर बैठकर हम कर रहे हैं जिसके बाद हम ये कहेंगे कि एक साल पूरा हो गया इसराइल और हमास के बीच जंग का। बिल्कुल, क्योंकि वो तारीख थी 7 अक्टूबर 2023 जब हमास की तरफ से इसराइल पर अटैक किया गया। बिल्कुल, और अटैक किया गया, 1200 लोग मारे गए। लेकिन इस युद्ध से क्या क्या हुआ अब तक, इसके ऊपर पहले गौर करना ज़रूरी है, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसराइल की ताकत या ईरान कैसे हमलावर हुआ है और आगे क्या कर सकता है, उसकी प्लानिंग क्या है। अब तक क्या क्या हुआ में अगर देखें तो 1200 से ज़्यादा इसराइली नागरिकों की इसमें मौत हुई है। बिल्कुल, कई सारे अभी इसराइली बंधक हैं, हमास के कब्जे में हैं, करीब इनकी संख्या 100 बताई जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अकेले गाज़ा में 41,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं इसराइल की तरफ से किए गए जवाबी हमले। इसके अलावा लेबनान में 10 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। हिजबुल्लाह के कमांडर को ढेर करने की बात जो कही जा रही कि हिजबुल्लाह के चीफ को हमने मार दिया, लेबनान में कितने लोग विस्थापित हुए हैं। लेबनान में, साउथ लेबनान में हमला किया जा रहा था हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करके, अब तो नॉर्थ में भी हमला किया जा रहा है। खबर ये भी आई थी पुनीत की जो लेबनान से जो शरणार्थी थे जो सीरिया जा रहे थे, हाँ, ब्रिज भी हटा दिया गया, तोड़ दिया गया इसराइल के जरिए। यानी कि अब लोगों का सवाल है कि हम जाएं तो कहां जाएं, और वही है, वही इसराइल है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इसराइल ये वही है जो वहां पर लेबनान के लोगों को मैसेज पहुंचाता है और ये कहता है कि आप इस इलाके को खाली कर दीजिए क्योंकि हमारी आपसे दुश्मनी नहीं है, हम तो हिजबुल्लाह को टारगेट करने के लिए। लेकिन कोई भी हमला हो, चाहे इसराइल हमला करे या ईरान हमला करे या हिजबुल्लाह के हमला हो या फिर हमास के हमला हो, फाइनली अगर कोई किसी की जान जा रही है तो वो सिविलियंस, 90% उसमें सिविलियंस होते हैं, 90% सिविलियंस होते हैं। इसके अलावा आप देखिए छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में लेबनान से पलायन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, गाड़ी में कई हफ्तों का सामान लेकर चल रहे हैं वो, लेकिन कितने हफ्ते तक आप ऐसे सर्वाइव कर पाएंगे, कब तक सर्वाइव करेंगे जी, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, पैदल पैदल जा रहे हैं। एक तो ये, अभी तक हुआ क्या, इसके ऊपर आते हैं। हमास का चीफ मारा गया, हनिये, इस्माइल हनिये को मार गिराया गया। इसके अलावा हिजबुल्लाह के चीफ को इसराइल ने मार गिराया, नसरुल्लाह को मार गिराया, हिजबुल्लाह के सेकंड इन कमांड, थर्ड इन कमांड और उसके नीचे जितने भी कमांडर्स हैं, इसराइल की तरफ से ये कहा जाता है कि हमने सबको ढेर कर दिया है। इसराइल ने हमास में भी ऐसे ही किया। हमास की अभी कमान यहया सिनवार संभाल रहा है, और यहया सिनवार के बारे में कहा जाता है कि बड़ा शातिर है और वहां पर जमीन के भीतर जो टनल्स बना रखी है उसका इस्तेमाल बखूबी करना चाहता है। इसराइल की तरफ से ये भी कहा जाता है कि हमने हिजबुल्लाह के इतने कमांडर्स को मार दी गिराया। अगर अभी अभी खबर आ रही है कि 400 से ज्यादा कमांडर्स हिजबुल्लाह के मारे गए,
लड़ाके उसके। लेकिन अगर अगर जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लगातार जो टॉप लीडर्स हैं, जो सेकंड लीडर्स बने उनको भी हमने ख़त्म कर दिया हमले में, अगर वाकई ऐसा है तो फिर ज़मीनी जो ऑपरेशंस इसराइल के फिर वो क्यों जारी हैं, यानी ताकत अभी भी मौजूद है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि अभी भी इसराइल की तरफ से ऑपरेशन जारी क्यों हैं, और ये बताता है कि हिजबुल्ला हो या हमास हो, इसके लड़ाकों के पास अभी भी ताकत उतनी है। क्यों? क्योंकि इसराइल पर अभी भी हमले हो रहे हैं, हिजबुल्ला ने ड्रोन से, हिजबुल्ला ने मिसाइल से अटैक किया है, एक बात। दूसरी बात ये कि इसराइल की सुरक्षा प्रणाली की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा ताकत इसराइल की, अगर ताकत की बात की जाए तो ताकतें उसकी, एक तो उसकी सुरक्षा प्रणाली, हवा से मार करने, हवा में मार जो होता है, ऊपर से अटैक जो होता है मिसाइल से, उससे बचने के लिए उसके पास चार प्रणालियाँ, चार बड़े सिस्टम उसके पास लगे हुए हैं। और दूसरी प्रणाली उसकी खुद की प्रणाली है, जो है उसका इंटेलिजेंस, और उसकी इंटेलिजेंस उसकी रीढ़ है, और दूसरी रीढ़ है सुरक्षा में लगे चार बड़े सिस्टम। कौन कौन से सिस्टम है इसका जिक्र कर देना यहाँ पर ज़रूरी है। एक है डेविड स्लिंग, मिडिल रेंज की मिसाइल जो है उसके लिए, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है कि उधर से मिसाइल छोड़ी, एंटी मिसाइल सिस्टम है, वहां जाके दूसरी मिसाइल को हमला कर देगा। आयरन टू, ये भी रॉकेट और आर्टिलरी फायर के लिए है कि वो हमला करके वापस हमले को बचा लेगा। इसके अलावा एरो लॉन्ग रेंज मिसाइल के लिए ये तैयार किया गया है। और आयरन बीम, आयरन बीम क्या होता है? आयरन बीम का इस्तेमाल अभी तक इतना ज़्यादा देखा नहीं गया, लेकिन आयरन बीम वो सिस्टम है जो कि लेजर के जरिए अगर मिसाइल आ रही है तो लेजर के जरिए उसको हवा में ही नष्ट कर दीजिए। तो एक तो ये हो गया उसका सिस्टम, रीढ़ है उसकी, उसी की वजह से अटैक। वरना आप देखिए हिजबुल्ला लगातार रॉकेट्स दाग रहा है, ठीक है, लगातार रॉकेट्स दाग रहा है, ईरान ने लगातार रॉकेट्स दागे, और ईरान की तरफ से कौन कौन से रॉकेट्स, फतेह वन और फतेह टू, ये बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल हैं और बड़ी ताकतवर मिसाइल हैं। लेकिन मेरा यही सवाल है, आपने ये चार सिस्टम जिक्र किए पुनीत, इन चारों सिस्टम को अगर वाकई एक्टिवेट इसराइल ने रखा हुआ था, तो जो फिर जो बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, 200 बैलिस्टिक मिसाइल बताया जाता है कि दागी गई, उनसे नुकसान भी हुआ है, और इस बात का जिक्र अमेरिका कर रहा है। अगर अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी बात कि योव ग्लांट जो हैं इसराइल के रक्षा मंत्री जो हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि हमने मुआयना किया है, और जहां पर यह हमला किया गया, जिस बेस पर हमला किया गया, वहां कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो पाया। तो एक प्रकार से दुश्मन के जो इरादे हैं वो थोड़े कच्चे पड़ जाएं, कमज़ोर हो जाए दुश्मन ये, और जाहिर सी बात है कि कोई हमला करेगा तो कोई देश ये क्यों कहेगा कि हमको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका की तरफ से क्या अब ये स्ट्रैटेजिकली है या इसके पीछे क्या है, ये देखना होगा। लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि भारी नुकसान हुआ है, वहाँ पर हैंगर जो प्लेन्स जिसके अंदर रखे रहते हैं उसको भारी नुकसान हुआ है, ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है। इसके अलावा उनके फाइटर जेट्स जो हैं उसको भी भारी नुकसान हुआ है। तो ये जो सिस्टम है जी, जो अपने आप को बैलिस्टिक मिसाइल या दूसरी मिसाइलों से बचाने वाले, ये क्या फेल हो गए क्या, या फिर हम ये कहें कि एक के बाद एक जो मिसाइलें बैक टू बैक सेकंडों में दागी गई, क्या उस सिस्टम को भेद गई, या हम ये समझ लीजिए कि आपने 50 मिसाइलों को रोकने की आपके पास क्षमता है, बिल्कुल एक समय में, ठीक है, कोई मिसाइल उधर से चली इधर से चली और उसने उसको ध्वस्त कर दिया। लेकिन अगर अलग अलग जगहों से नंबर्स ऑफ मिसाइल अगर दागी जाएंगी तो फिर आप उसको कैसे सुरक्षा कर पाएंगे, उनमें से कुछ तो मिसफायर हो जाएंगे और कुछ अंदर आके गिर डेफिनेटली। तो एक ये बदला लिया गया हनिये की मौत का ईरान की तरफ से, बदला लिया गया ईरान की तरफ से एक और मौत का जो है नसरल्लाह की, नसरल्लाह बिल्कुल ये बदला लिया गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो खामनेई जो हैं उनकी तरफ से फिर से ये कह दिया गया है कि हम किसी कीमत पर झुकेगा नहीं, किसी कीमत पर हम झुकने वाले नहीं हैं, अरब के मुसलमान हमारे साथ में आए। सबसे बड़ी बात ये है कि खामनेई अगर ये कहते हैं कि अरब के मुसलमान हमारे साथ में आए तो, या पूरे देश के मुसलमान हमारे साथ में आए तो, वो मुसलमानों से ये अपील कर रहे हैं, ना कि वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों से, बिल्कुल। तो ये दबाव भी ऐसी कंट्रीज के ऊपर ये दबाव बन सकता है अगर वहाँ की आवाम चाहती है
कि मुसलमानों को साथ में एक करने की बात है, तो ऐसे देशों पर दबाव बन सकता है, उनके राष्ट्राध्यक्षों पर दबाव बन सकता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी, बहुत बढ़िया बात आपने कही कि जो एक इसका लॉजिक आपने निकाला। दूसरा एक और बात है, अमेरिका चेतावनी दे रहा था कि ऐसी कोई हिमाकत ना करे ईरान, लगातार चेतावनी दे रहा था कि कोई इसराइल पर कोई अटैक की हिमाकत ना करे, बावजूद ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी, 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागी, यानी कि पूरी तैयारी है, आगे तक की तैयारी या रणनीति बना ली गई। सही बात है, देखिए रणनीति बना ली गई होगी, और इसराइल ये बात बिल्कुल सही है कि इसराइल चुप तो बैठने वाला नहीं है। ठीक बात, इसराइल तो वार करेगा, पलटवार तो करेगा, इसराइल की तरफ से पलटवार होगा, लेकिन ईरान की तरफ से भी पूरी तैयारी इसके लिए पहले ही कर ली गई होगी। वरना ऐसा क्यों होता कि इस्माइल हनिये की मौत होती है और तब ईरान कहता है कि हम इसका बदला लेंगे, लेकिन तब शायद तैयारी पूरी नहीं थी और इसी वजह से उसके बाद ईरान की तरफ से कुछ हुआ नहीं। तब भी ये कहा जा रहा था कि अब मिडिल ईस्ट जो है एक बड़े युद्ध की तरफ जा सकता है, लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ, ईरान चुप रहा। लेकिन नसरल्ला की जब मौत हुई हमले में, तब फिर ये मामला और बढ़ गया और फिर ये पानी सर के ऊपर से जाने वाली बात हो गई ईरान के लिए। और इसीलिए वो कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात कि खामनेई की तरफ से कहा गया कि फिलिस्तीन की जमीन जो है वो फिलिस्तीनियों की है और उनके हक की जमीन को कोई भी अपनी दादागिरी, अपने आतंकवाद, अपने टेरर के नाम पर उसको कब्जा नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात क्या है कि दोनों तरफ से बात किसकी होती है, टेरर की। अमेरिका जो पूरी दुनिया में हथियार का सौदागर कहलाता है और कहीं भी युद्ध चल रहा हो अमेरिका उसके पीछे परछाई में नजर आ जाता है, बिल्कुल परछाई में नजर आ जाता है अमेरिका। और वो अमेरिका क्या कह रहा है कि शांति होना चाहिए। वही दिलचस्प बात यह है कि वही अमेरिका इसराइल को हथियार भी देता है और दिलचस्प बात यह है कि वो ह्यूमन एड या मेडिकल एड पहुंचाता है गाजा में जहां पर लोग मारे जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड। और फिर बात करता है वो ह्यूमैनिटी की। वही अमेरिका हमास, हिजबुल्ला, हूथी, इनको आतंकवादी घोषित करता है। अब दूसरी तरफ ईरान की तरफ से, हिजबुल्ला की तरफ से, हूथियों की तरफ से, हमास की तरफ से, या इराक के जो दूसरे गुट हैं वहां के मिलिशिया, उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि ये दादागिरी, आतंकवाद को बढ़ावा और एक प्रकार से डर पैदा करके वहाँ के लोगों को, फिलिस्तीन के लोगों को कुचला जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है और ज़मीन उनका हक है। अच्छा एक और बात थोड़ा सा समझाएगा आप अपनी, चूँकि जो हमले हुए हैं, जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं प्रमुख इसराइल के, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा देश कई देशों से घिरा हुआ है, हमारा देश लगातार अपने नागरिकों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, हमास, ईरान, हिजबुल्ला, वेस्ट बैंक के आतंकी, यमन के हूती और इराक, सीरिया के जो शिया मिलिटेंट्स हैं उनके हमलों से हम अपने बचाने के लिए, अपने नागरिकों को बचाने के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। दूसरा एक वो ये दावा भी कर रहे हैं कि जो मिसाइलें दागी गई हैं उसका बदला तो हम ज़रूर लेंगे। मतलब ये कि ये दूसरा पक्ष भी अपने आप को कहीं भी पीछे हटते हुए नहीं। देखिए बीच में आपको एक चीज़ सबसे बड़ी दिलचस्प बात क्या है कि इसमें आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बीच में इस बात की कोशिश हुई, अब वो कोशिश दिखाने के लिए थी या बताने के लिए थी या सचमुच की कोशिश थी, इसके बारे में तो टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन कतर की तरफ से, मिस्र की तरफ से और साथ ही साथ अमेरिका की तरफ से युद्ध की शांति हो जाए और एक समझौता हो जाए, और सबसे बड़ा समझौता क्या, बंधक बने हुए हैं दोनों तरफ, उनको छोड़ दिया जाए, यही समझौते की बात थी। और ये बात एक बीच में ऐसा लग रहा था, सबसे एक और दिलचस्प बात यह है कि नसरल्लाह हिजबुल्ला के चीफ, उनकी तरफ से भी ये खबरें आ रही कि वो भी राजी थे कि बंधकों को रिहा कर दिया जाए और शांति हो जाए, लेकिन इसराइल ने अपने अटैक जारी रखे। सबसे बड़ी बात ये कि ये बीच में ये बात खबर उठी थी, ये बात सामने आई थी और इसीलिए नेतन्याहू को अपने लेबनान पर अटैक्स जो हैं उनको और बढ़ाना पड़ा, क्योंकि वहीं पर अंदरूनी राजनीति जो इसराइल की है उससे वहां से ही निकल कर खबरें सामने आई कि बाकी नेताओं ने कहा कि आप किसी भी कीमत पर घुटने नहीं टेक सकते, या समझौता करेंगे तो आपको अंदर अंजाम भुगतने होंगे।
भुगतते हो, यानी राजनीतिक तौर पर आपको खामियाजा इसका भुगतना पड़ता है राजनीतिक तौर पर। दूसरा लेकिन अगर अब हम हिजबुल्ला से हमास पर जाएं, शिफ्ट करें, हमास अभी भी बहुत सारे जो इजरायली नागरिक हैं, जब जिस हमले का जिक्र आप कर रहे थे लगभग एक साल हुआ है हमास के हमले का, अभी भी बहुत सारे इजरायली नागरिक हमास के कब्जे में बिल्कुल हैं, बावजूद इजराइल लगातार हमले कर रहा है। बीच में इजरायली नागरिकों की हत्या कर दी गई हिजबुल्ला हमास के द्वारा, वो इसीलिए क्योंकि वेस्ट बैंक हो या गाजा हो वहां पर लगातार अटैक किया जा रहा था इजराइल की तरफ से। इजराइल की आईडीएफ जो है वहां पर दाखिल होकर इजरायली नागरिकों को बंधकों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगर उनके कब्जे में है और अगर वहां पर मिलिट्री पहुंच जाती है तो जाहिर सी बात है कि जो हमास की तरफ से स्टेप उठाए जाने थे वो हमास की तरफ से स्टेप उठा लिए गए, और सबसे बड़ी बात कि उनका कत्ल कर दिया गया। और इसके लिए हमास ने तो कत्ल किया, उसके पास तो बंधक थे। इसके लिए इसराइल में आवाज़ बुलंद हुई और कहा गया कि ये ऑपरेशन चलाने की ज़रूरत नहीं थी, और वहाँ पर सैकड़ों लाखों की माफ़ कीजिएगा हज़ारों की तादाद में लोग सड़क पर आ गए और कहा कि ये इसराइली नागरिकों की, आप जो रक्षा की बात करते हैं, इजरायली नागरिकों की मौत के जिम्मेदार भी आप हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ यह आवाज़ उठी, यानी कि आप उस पूरे मसले को अंदर पॉलिटिकल हैंडल नहीं कर पाए आप। हाँ, ये आरोप एक पॉलिटिकली अगर लगाया गया, बिल्कुल अंदर पॉलिटिकल उथल पुथल तो बहुत ज्यादा है इजरायल के भीतर, और प्रेशर में है बेंजामिन नेतन्याहू प्रेशर में, पीछे है अमेरिका जो साथ दे रहा है और कह रहा है कि अब हमला हुआ तो हम भी साथ में आके खड़े हो जाएंगे और फिर हम उसके ऊपर अटैक करेंगे। हूतियों के ऊपर अटैक करने का काम, यमन में हूतियों के ऊपर अटैक करने का काम पहले से ही अमेरिका की तरफ से किया जा चुका है। ये जो सिचुएशन बन रही है, अब सबसे बड़ी बात ये कि एक साल जब होने को आ गया, एक साल हो गया, अब सबसे बड़ी टेंशन ये है कि इसराइल को इस बात का डर है, उसने सिक्योरिटी बढ़ा दी है कि हमास फिर से अटैक कर सकता है। हमास को इस बात का डर है कि इसराइल उसका जवाब देगा, बदला लेगा। हिजबुल्ला को भी इस बात का डर है कि इसराइल जवाब देगा, हिजबुल्ला भी तैयारी में है। तो दोनों तरफ से ये कल का दिन, 7 तारीख का दिन 2024, एक साल हो गया है, ये बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है, और हो सकता है कि इस दिन बहुत कुछ बड़ा निकल कर सामने आए। एक साल पूरा, आपने बहुत बड़ा जिक्र किया उस एक साल का, जो वाकई उस दिन को तो शायद इसराइल कभी नहीं भूल पाएगा, जो हमास ने जिस अंदाज में हमला किया था और सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया था, बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, अगर हम इसराइल का जिक्र करें, इसराइल डेफिनेटली पलटवार करेगा, कन्फर्म है पलटवार करेगा, ईरान पर पलटवार करेगा, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उसके असर क्या होंगे। ईरान के तेल जो संयंत्र हैं या जहाँ से तेल निकाला जाता है वो टारगेट पर होंगे, या फिर परमाणु ठिकाने टारगेट पर हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने यह भी कहा था कि परमाणु ठिकानों को निशाना ना बनाया जाए। चेर्नोबिल हमें एक बड़ा हादसा याद है, उससे ना जाने कितने सैकड़ों हजार किलोमीटर। देखिए, ये सारी बातें हैं अमेरिका की तरफ से, ये सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन इसराइल जब टारगेट करता है, जब अटैक करता है, तो फिर वो देखता नहीं है सबसे पहले उसे वो कहता है कि सबसे पहले हम हमारे नागरिकों की सुरक्षा करेंगे, दुश्मन के ऊपर हमला करेंगे। लेबनान में आप देखिए क्या हुआ, पेजर में ब्लास्ट कराया, वॉकी टॉकी में ब्लास्ट कराया, बिल्कुल माना नहीं, लेकिन करवाया किसने? सबसे बड़ी बात यह कि करवाया किसने, ऐसे पेजर से एक साथ प्रॉक्सी वॉर। इसके अलावा इंटेलिजेंस का काम इसमें, इसके पीछे कितना काम किया गया, इसके बाद वहां के रेडियो संयंत्रों, रेडियो जो है उसके ऊपर मैसेज प्रसारित किया और उसके बाद अटैक कर दिया, और अब ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, न केवल गाजा में चल रहा है, वेस्ट बैंक में चल रहा है, इसके अलावा हिजबुल्ला यानी कि लेबनान में भी चल रहा है। तो ये सब कुछ चल रहा है, और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल आखिरी शब्दों में बताइए, वाकई में ये कत्ल की रात है? हाँ बिल्कुल, इसको अगर छोटे शब्दों में, कम शब्दों में कह दें तो ये कत्ल की रात है, और ये बहुत रात भारी होने वाली है, सबके लिए बहुत ज्यादा चिंताजनक हो सकती है। तो आपको भी नजर रखनी है, ध्यान रखना है कि आखिर इस रात को 7 तारीख जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और शायद इसराइल इस तारीख को हर हाल में भुलाना चाहता होगा, लेकिन भुला नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा जख्म हमास ने इसराइल को दिया था। देखना होगा कि आखिर होता क्या है। आज हमारी चर्चा में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।